इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से किसी भी प्लेट में या किसी भी चीज में। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्विजन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 5 चॉकलेट। ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगी। आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे और इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने ले लिया है एक व्हाइट कंपाउंड वाला चॉकलेट का पीस, ले लेंगे थोड़ा सा खोपरे का बुरादा, ये मैंने घर में ही बनाया है ग्रेट करके, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए हमें, ग्रेट किया हुआ चाहिए। सौंफ ले लेंगे गुलकंद, इलायची को इसको पाउडर बना लूँगी, और पान का पत्ता, एक पत्ता लिया है मैंने, इसको मिक्सी में चन कर लेंगे या बारीक बारीक पीसेस में काट लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं काट लेती हूँ इस चॉकलेट को, अभी गर्मियाँ हैं तो इजीली कट जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी इसको तोड़ने में प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी मूसली वगैरह से आराम से तोड़ सकते हैं। इस तरीके से सारा तोड़ लेती हूँ मैं, और आज मैं इसको बताऊँगी आपको माइक्रोवेव में भी और डबल बॉयलर में किस तरीके से बनाया जाता है। ये सारी चॉकलेट कट करके हमने रख ली है। चॉकलेट एकदम रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, फ्रिज में रखी हुई नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें कोई सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी तरीके से पानी का हाथ नहीं लगना चाहिए। अब मैं डाल लेती हूँ एक बाउल में, थोड़ा सा डाल लेते हैं, ये डबल बॉयलर में इसको करेंगे हम इस तरीके। गैस पर मैंने पानी उबलने रख दिया है एक बर्तन में। अब ये जो बाउल है जिसमें मैंने चॉकलेट डाल रखी है, इसको इसके ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे ये पानी के अंदर नहीं डूबना चाहिए, पानी से ऊपर ही रहना चाहिए, और इसको इसके भाप में ही हम पिघलाएंगे, 2-3 मिनट में ये पिघल जाएगी। बिल्कुल भी पानी की नमी इस चॉकलेट में नहीं आनी चाहिए। आप चाहें तो स्टील के बर्तन में भी इस चॉकलेट को रखकर पिघला सकते हैं। गैस की फ्लेम जो है फुल पे ही रखें। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से चॉकलेट को पिघला लिया है। वाइट चॉकलेट को लगातार हिलाते रहना चाहिए, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, नहीं तो जल्दी से ये जल सकती है। ये देखिए पिघलने जा रही है हमारी, ये देखिए इस तरीके से ये डबल बॉयलर में पिघल गई। गैस बंद कर देंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ माइक्रोवेव में चॉकलेट को पिघलाना। माइक्रो मोड पे इसको पिघलाना है और इसको रख देंगे एक कांच के बॉयलर में जो माइक्रो सेफ हो, और एक साथ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है इसको, पहले 30 सेकेंड्स के लिए पकाएंगे क्योंकि वाइट चॉकलेट जो होती है सेंसिटिव होती है। ये देखिए माइक्रोवेव से मैंने इसको निकाला है 30 सेकेंड के बाद, और हल्का सा इस तरीके से हिला देंगे। ये देखिए 30 सेकेंड्स में ही ये पिघलने लग रही है। ये देखिए दोनों तरीके से हमने चॉकलेट पिघला ली है। ये देखिए ये भी ये माइक्रोवेव में की थी और ये डबल बॉयलर में की थी। अब हल्की सी दोनों ठंडी हो जाए उसके बाद मिलाएंगे हम इसमें बाकी का सामान। अब इसमें मिला लेते हैं गुलकंद, बहुत ज़्यादा गुलकंद नहीं मिलाई है, नहीं तो ज़्यादा मीठी हो जाएगी। ये वाली 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, डालेंगे 2 चम्मच, ये कोकोनट ग्रेटेड है, ये इसकी मिठास को बैलेंस भी करेगी और स्वाद भी बढ़ाएगी। डाल देते हैं पान का टुकड़ा, सौंफ और इलायची पाउडर भी, और इसको बनाएंगे हम। इस चॉकलेट का मेरे पास ये मोल्ड है, ये भी एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और एकदम सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होने चाहिए। इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा बैटर, तैयार मिश्रण इस तरीके से। सभी में भर देंगे इस तरीके से, पूरे मोल्ड को मैंने चॉकलेट से फिल कर लिया है। अब इस तरीके से टैप करेंगे इसको, इससे कि
एयर निकल जाएगी इसकी सारी, इस तरीके से कर लेंगे और रख देंगे इसको 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। फिर दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रिज में से मैंने इस मोल्ड को निकाल लिया है। अब इसको इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से किसी भी प्लेट में या किसी भी चीज़ में उल्टा टैप करेंगे, ये आसानी से निकल आएगी। और इसी तरीके से मैंने एक दूसरे मोल्ड में भी बनाई है, ये भी दिखा देती हूँ आपको मैं। फ्रेंड्स, ये दोनों तरीके से चॉकलेट बनी हुई मैंने मोल्ड में से निकाल दी हैं। आप भी इस तरीके से बनाइए, किसी जो भी आपके पास मोल्ड हो उसमें बना लीजिए और सर्व कीजिए अपने गेस्ट को खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए इस तरीके से माउथ फ्रेशर पान चॉकलेट, और आप बताएं अपने अनुभव कि आपको ये कैसी लगी। किसी भी फेस्टिवल पर, दिवाली पर, होली पर आप ये बनाकर रख सकते हैं अपने सुपारीदान में और गेस्टों को स्वागत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर कीजिए। और हाँ, राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।